गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल बी ए डिटेलिंग आई होप यू आर डूइंग वेल सो आज का जो कंसेप्ट हम पढ़ना चाहते हैं वो बायोलॉजी के पॉइंट से है ये वोटेड पेपर टू तो बायोलॉजी के लिए है कुछ क्वेश्चन ई वी एस के पेपर में भी आ सकता है बिकॉज इट इज़ ए लिंक्ड सब्जेक्ट सो so, आप लोगों को इनफॉमेसन ये देना है कि वोटेड का लिंक तो ऑलरेडी आ चुका है तो चेक कर लीजिएगा बेसी डॉट उड़ीसा डॉट इन के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स सो प्लीज़ चेक करते रहिएगा एंड आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड है वहाँ पर आपको सेंटर नेम गिवन है तो सेंटर नेम के अकॉर्डिंग ही आप रेडी हो जाए अगर आपका दूर डिस्टेंस में पड़ा हुआ है दैन आप लोग एक दिन पहले भी जा सकते हो अगर पास ही पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग प्रिपेयर हो सकते हो अच्छे से एंड उसके बाद जाया करें आपको ले जाना है बस एडमिट कार्ड आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिए और आपको आधार कार्ड का एक जेरोक्स ले जाना चाहिए तो इतना में एन है और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं अगर बोटल ले रहे हो तो ट्रांसपेरेंट बोटल लो पानी लो उसमें एंड डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है कोई भी ज्वेलरी अलाउड नहीं है तो ना पहने तो बेहतर है ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं पूरा बायोलॉजी का सेशन है बायोलॉजी का सेशन अगर आज एक पार्ट कंप्लीट होता है तो कल एक पार्ट कंप्लीट करेंगे अदरवाइज़ आज कंप्लीट हो गया तो पूरा कर लेंगे <coughs> तो पहले सिलेबस में देख लो क्या है सो दिस इज़ योर बायोलॉजी सिलेबस थोड़ा आगे चलते हैं हाँ ये फिजिकल साइंस का था फिज़िकल साइंस के पोर्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी नोट्स uh, के अकॉर्डिंग पेड क्लासेस में बहुत कुछ किया हुआ है ऐसी वेसेस सॉल्व पढ़ लिए हैं एम चल रहे हैं जो आपके मेटल नॉन मेटल मेटल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन था एंड uh, और भी बाकी हमने कॉमन क्वेश्चन पढ़े हुए हैं बाकी इन सब का अगर एम करना है तो आ जाएगा चार पांच दिन है हमारे पास तो पूरा आ जाएगा अभी देखो लाइफ साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट देखो कितना बड़ा सा यूनिट दिया है दैट इज़ लाइफ साइंस से बायोलॉजिकल एडाप्टन एमोंग लिविंग बिंग रेस्प्रेशन ट्रांसप्रेशन भी गिवन है सेल स्ट्रक्चर गिवन है फंक्शन ऑफ ऑल सेल ऑर्गन दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं सॉइल फॉरेस्ट रिसोर्सेस है एडोलेसेंस इन ह्यूमन बींग है तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मैंने देने को ट्राई किया है सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स का नहीं दिया टॉपिक ऐड नहीं किया बाकी के पोर्शन का मैंने ऐड कर दिया है जितने क्वेश्चंस आएंगे इसी के बीच आएंगे इसी के नोट से आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें प्रिपेयर करें एंड शेयर करें अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ जो भी वोटेड के लिए वोस्टेड के लिए या सीटेड के लिए, लिए, लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनका बायोलॉजी पोर्शन कवर अप हो जाएगा प्लस एक चीज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक भी करिए कमेंट भी करिए ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और, और आगे ऐसे विदाउट एनी पे हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ कर सकते हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए सो लेट स्टार्ट टूडे सेशन सो हम स्टार्ट करें सेल से तो so सेल क्या है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था बाई रॉबर्ट हुक ठीक है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में नोट देट सबसे स्मॉलेस्ट सेल का स्ट्रक्चर है जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया द लार्जेस्ट सेल जो भी मेजरिंग किया गया है वन सेवेंटी एम एम इन 130 वन थर्टी एम एम है लेंथ टू के अकॉर्डिंग एक एक है ओस्ट्रीज़ का ये एक है ओस्ट्रीज़ का एम ओ बा एकवर्स इट्स फूड देखो सारे एम सी क्यूज़ में आप लोग करोगे तो टाइम टेकिंग होता बहुत ज़्यादा तो इसलिए शॉर्टकट बेसिस पे वन लाइनर के साथ थ्योरीज पोर्शन वन लाइनर जैसे बोल सकते हो उससे प्रिपेयर करो अच्छे से एक दो बार सुन लोगे तो आपका पूरा बायोलॉजी हो जाएगा एम ई इट फोर्स थ्रू द एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस जस्ट लाइक एक्जोसाइटोसिस नहीं करता है एंडोसाइटोसिस करता है एमएबा क्या करता अपना, uh, है अपना ऐसा स्ट्रक्चर है एमएबा का तो इ रेगुलर इन सेप एंड सपोज एक फूड पार्टिकल है तो एक सीडो उनका क्या पोर्शन स्टार्ट होगा सीडो लेग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड वो धीरे 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 फूड को कवर करके एनगल्व कर लेगा ज्वाइन कर लेगा एंड एनगल्फ कर लेगा दैट इज़ द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस प्रो कैरियोटिक सेल्स सेल दैट हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस प्रो कैरियोटिक्स प्रोमीन्स पहले जो पेमिटी पर पहले आया था एंड उनमें डिफी डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होता है एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन आलगी यूकैटिक सेल में जिसमें डेफिनाइट और डिफाइंड न्यूक्लियस होता है डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एग्जाम्पल अदर दैन बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन अलगी कंपाउंडस कॉल्ड प्रोटीन्स एंड फॉस्बुलिटीज मेक मोस्ट ऑफ द सेल मैमरे देखो अगर सेल मेम्ब्रेन का बात आता है जिस जो कि ऐसा सोच लो सेल है सेल को जो कवर करता है दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनेगा फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनेगा डिफ्यूजन किसको बोलते हैं इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटांस देखो सपोज ये मूवमेंट ऑफ सब्स्टांस मुझे ये सबस्टांस को इधर पास करवाना है यहाँ पे ये सेल है ठीक है so, सो सोच लो इधर सब्सटांस है तो ये हायर कंसेंट्रेशन है हायर कंसनट्रेशन और इधर सब्सटांस नहीं है वो सब्सटांस प्रेजेंट नहीं है तो ये लोअर कंसेंट्रेशन तो मूवमेंट ऑफ सब्सटांस फ्रॉम ए हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है एंड सपोज यहाँ पर हम मूव करवा रहे हैं जैसे कि सबस्टांसिस लाइक सी ओ टू ऑक्सीजन ये सेल के मेमब्रेन के थ्रू ऐसे पास होता है तो इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं वाटर ऑल्सो ओवेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाटर वाटर भी ऐसे ही पास करता है इसी लॉ को ओबे करता है सपोज ऑस्मोसिस आ गया तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बट यहाँ पे सिलेक्टिवली मैम्ब्रेन एक रहेगा मतलब इस मैम्ब्रेन से सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू इट ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस थ्री टाइप्स के ऑस्मोसिस होते हैं हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक वर्ड से समझना हाइपो आइसो हाइपर आइसो मीन्स हो गया जहाँ पे सेम अमाउंट सेम अमाउंट ऑफ क्या रहेगा सेम रहेगा कुछ चीज़ द अमाउंट गोइंग इज इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट सपोज इधर अगर इतना मॉलिक्यूल इधर पास होता है तो इतना ही आउट भी होगा ठीक है इतना ही आउट भी होगा सपोज ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा पोजीशन तो उसके पोजीशन में अगर सी ओ टू था अंदर में तो सी ओ टू रिलीज उतने ही अमाउंट में होगा ठीक है ये आइसोटोनिक है द सेल विल स्टे द सेम साइज मतलब सेल का यहाँ पे साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा सेल के अंदर से जितने सेल के बाहर से जितना मॉलिक्यूल अंदर आए हैं उतना ही अमाउंट का कोई लिक्विड या फ्लूइड बाहर जाएगा इक्वल सेल का साइज रहेगा उससे ऊपर में हाइपोटोनिक मोर वाटर विल कम इन टू द सेल सो वाटर ज़्यादा अंदर आएगा अभी हम लोग कहते हैं वाटर ज़्यादा अंदर आएगा ठीक है देन विल ली जितना बाहर जा रहा है उससे ज़्यादा अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा अगर कोई चीज़ में वाटर ज़्यादा आ रहा है तो वह स्वेल्डअप हो जाता है तो हाइपोटोनिक में सेल स्वेल्डअप हो जाता है ड्यू टू द एक्मुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड अगर हाइपरटोनिक बोलते हैं तो मोर वाटर लिव्स द सेल देन एंटर्स इट तो यहाँ पे सोचो अगर सेल से वाटर रिलीज़ हो जाए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा सेल से वाटर रिलीज हो रहा है आउटसाइड में इनसाइड में कम आ रहा है कोई भी सल्यूट पार्टिकल्स एंड वाटर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और इस चीज़ में क्या होगा अगर सेल से ज़्यादा आपका वाटर रिलीज हो रहा है तो सेल श्रिंक होता है तो एक में बोला गया हाइपोटोनिक में सोच लो सेल्स वेल्डअप हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एंटर करेगा ठीक है आइसोटोनिक में सेम सेम सेल साइज रहेगा जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा हाइपरटोनिक में वाटर ज़्यादा uh, मतलब सेल के विदिन से बाहर आउट होगा तो वो सेल श्रिंक करेगा नेक्स्ट वेन ए लिविंग प्लांट सेल अगर एक लिविंग प्लांट सेल है वो वाटर लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस uh, तो देयर इज श्रिंकेज आपको भी बताया सेल श्रिंक करेगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल वे फ्रॉम द अगर मेरा ये सेल है सेल के अंदर से सारा चीज़ ऐसे पास ऑन हो जाता है बाहर चला जाता है तो ये सेल वल है सोच लो क्योंकि ये प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं और सारा मॉलिक्यूल इधर से चला गया ये सॉलिड पार्टिकल जो भी है वो रिलीज़ हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है कुछ भी पास हो रहा है बाहर की तरफ चला गया तो सेल मेरा श्रिंक हो जाएगा एंड सेल वल से श्रिंक होकर वो सिकुड़ जाएगा ओके दैट इज़ कॉल्ड प्लाजमोलिसिस साइटोप्लाज्म क्या है इट इज़ द फ्लूड दैट फिले सेल साइटोप्लाजम है साइंटिस्ट यूज्ड टू कॉल द फ्लूड प्रोटोप्लाजम ये सोच लो इसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स और सेल के डिफरेंट एलिमेंट सेल इंक्लूजन बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है दैट इज़ अ साइटोप्लाजम और इसका जो फ्लूड पार्ट है आ, हम सेल ऑर्गेनल्स को छोड़ के जो भी पोर्शन बोलेंगे वो है प्रोटोप्लाजम राइबोजोम्स क्या होता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम इज प्रेजेंट इफ प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इट नॉट देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल सेल के विदिन बहुत सारे पार्ट्स में रह सकता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए अगर हो तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर बोला जाए कि ये हेल्प करता है फैट बनाने में लिपिड बनाने में तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ मतलब राइबोसोम प्रेजेंस नहीं है तो नो ओनली जहाँ पे राइबोसोम है मतलब प्रोटीन बनेगा एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड इट इज़ अ मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स एंड फैट्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मैमब्रेन आपके सेल मैम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है जो कि फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होता है इन नेचर में दिस प्रोसेस इज नोन एज मैम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैमब्रेन बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल का मैमब्रेन बनाने में हेल्प करेगा जनरेट करने में हेल्प करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्ट लाइक डिटॉक्सीफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स डिटॉक्सीफाई करता है कॉल की ऑपरेटर्स क्या करता है ना इट इज़ एनदर पैकेजिंग ऑर्गन पता है गॉल्गी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है ईप अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो ये सपोज सेल है सेल के मिडिल में आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से जो अटैच होकर निकलता वो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पिन स्टॉप होके कट होके ट्यूबल्स वेसिकल्स ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं वो गोल्गी बॉडीज़ हैं गॉलगी बॉडीज से अगर कुछ ऐसा पॉइंट्स uh, मतलब राउंड राउंड होता हो तो वो भैक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि सबका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है तो गोल्गी एपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है एंड ये पैकेजिंग में हेल्प करता है इट इट इज़ अनदर पैकेजिंग ऑर्गेनाइल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये क्या करता है जस्ट लाइक like, इसी से ही आपका लाइसोजोम भी फॉर्मेशन होता है इट इज़ द ऑर्गेनाल दैट बिल्ड्स लाइसोजोम एंड लाइसोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेल डाइजेशन में हेल्प करता है सपोज कोई वर्न आउट सेल है कोई सेल टुकड़ों में टूट गया या फिर सेल ब्रेक हो गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब देखो लाइसोज़ोम को इट इज ऑल्सो नोन एज द सुइसाइडल बैग इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने के लिए जैसे आपके घर पे डस्टबिन होता है वैसे ही आपके सेल के विद इन लाइसोजुम होते हैं सोच लो कितने सेल है हमारे पास सो so, सोच लो उसके अकॉर्डिंग लाइसोज़ोम भी कितना होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ दिस सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं एटीपी जेनरेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है एडिनोसाइन ट्राइक जो भी बॉडी में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन केमिकल एक्टिविटीज सब कुछ आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया से बनता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ए ए टी पी इज़ ए एनर्जी करेंसी जिसके थ्रू ही हमको एनर्जी मिलता है सपोज मेटाबॉलिज्म करना है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनर्जी यूज़ करना है कोई चीज़ों को उठाने के लिए तो सब कुछ के लिए हमें एनर्जी माइट्रोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है ए टी पी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो जाता है जो कि यूक्रेटिक सेल होता है बट क्लोरोप्लास्ट ऑनली प्रेजेंट इन जस्ट लाइक सम बैक्टीरियाज ब्लूग्रीन आलगीज एंड प्लान्टॉडी तो उस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बॉडीज़ होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल फॉर्मेशन कर सकता है क्लोरोफिल क्या है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि मैम आप ये तीन वर्ड का नाम क्यों लिए तो क्लोरोप्लास्ट एंड आपका माइट्रोकॉन्डिया न्यूक्लियस ये आपका क्या है रेप्लिकेटिंग बॉडीज हैं वो अपना कॉपी फॉर्मेशन खुद से कर सकता है इनके पास अपना ऑटोनोमी होता है खुद को ये कंट्रोल कर सकते हैं चला सकते हैं बस इतना ही याद रखना ठीक है ए टी पी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्डिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट है ओन डी एन ए जो बात अभी बोलि इनके पास अपना डी एन ए अपना राइबोजम एंड देयर फॉर माइट्रोकॉन्डिया टू मेक देयर ओन प्रोटीन ओन कॉपीज ठीक है माइट्रोकॉन्डिया इज एबसेंट इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में नहीं होते हैं रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मामल्स एंड हायर एनिमल्स में नहीं होते हैं इसलिए आपके आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ बाहर से देखो तो डम्बल सेप्ट होता है ठीक है ओके नेक्स्ट सेंट्रियोल क्या है सेंट्रियोल्स आर कंसर्न विद द सेल डिविज़न सेंट्रियोल सेल डिविज़न में हेल्प करता है इट इनिशिएट सेल डिविज़न दो सेल में मतलब एक सेल को दो सेल बनाने में ये बहुत हेल्प करता है क्रोमाटीड्स को सेपरेट करके दो पोल को लेके जाता है और ये ही हेल्प करता है कि एक सेल में खिंचाव पैदा करे ताकि सेल डिवाइड हो जाए दो पार्ट में सो so, ऐसे करके आपके सेल के स्ट्रक्चर्स हैं अगर एक गारंटेड पॉइंट है कि अगर पाँच से छः क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं तो इतने में तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आप आंख बंद करके इसे प्रिपेयर करो तो आपको ज़रूर बायोलॉजी से जो भी रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा बस इसको एक बार सुनते रहना अच्छे से सुनते रहना प्रिपेयर करना हो जाएगा प्लास्टिक्स अभी बात किया था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड कंटेंट द पिगमेंट ऑफ द क्लोरोफिल अगर मैं बोलती हूँ प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं मैंने बोला भी था तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बियर करता है क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड बियर करता है ल्यूकोप्लास्ट वाइट व्हाइट है या कलरलेस होता है एंड प्लास्टिड्स ऑल्सो सेल्फ रेप्लीकेटिंग यूनिट है जो खुद का डी एन ए आर एन ए रखता है जो खुद के ही कॉपी को बना सकता है समझ आ गया था क्रोमोप्लास्ट बोला जा रहा है तो ये फ्रूट्स एंड फ्लाव में जो कलर्स होते हैं जैसे कि कैरेट का कलर ऑरेंज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन तो कैरोटीन एक क्रोमोप्लास्ट है क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है ल्यूकोप्लास्ट बोला गया वाइट है जैसे कि आप ये क्या स्टोर करता है और प्रेजेंट इन स्टार्च ऑयल प्रोटीन्स यहाँ पर स्टोर होते हैं और प्लास्टिक कंटेन अगर करता है क्लोरोफिल देन इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है और देखो क्या है वैक्यूल्स वैक्यूल इज ए फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस वैक्यूल एक बैग जैसा होता है या फिर उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं ठीक है एंड इसके सराउंडिंग में मैमब्रेन भी होता है एंड एक छोटा सा स्पेस है जिसके सराउंडिंग में मैमब्रेन होता है इट्स साइज इन एनिमल इज स्मॉल बट प्लांट में वैक्यूल्स बड़े होते हैं बिग बिग साइज के होता है अगर क्वेश्चन में आया बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स ओके ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं और इसमें स्टोर रहता है एमिनो एसिड एंड सुगर ठीक है सुगर को अगर आप वहाँ पर ग्लाइक्रोजन बोल दिया या सुगर को आपको स्टार्च बोल दिया कार्बोहाइड्रेट बोल दिया तो देखिए आप करोगे ग्रैन्यूल्स इट इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्रेन ग्रैन्यूल्स फैट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है सेल के अंदर और इसके सराउंडिंग में कोई भी मैमबरेन नहीं है सेल न्यूक्लियस क्या होते हैं सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है जैसे न बॉडी में ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही सेल के विदिन न्यूक्लियस एक्ट लाइक ए ब्रेन बिकॉज वो कंट्रोल करता है बहुत सारी चीज़ों को जस्ट लाइक like आपका जैसे मूवमेंट हो गया रिप्रोडक्शन हो गया सब कुछ कंट्रोल करता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास अगेन दो पार्ट होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए न्यूक्लियर पार्ट होता है मतलब हम बोले तो इसका कवरिंग पोर्शन एक रहेगा और एक होगा जहाँ पे क्रोमाटीन मटेरियल होगा क्रोमाटीन मटेरियल में और भी बहुत सारे पोर्शन आते हैं न्यूक्लियर अगर एनविलॉप बोलते हो तो न्यूक्लियर एनविलॉप मतलब न्यूक्लियर को जो कवर करता है मतलब न्यूक्लियस को जो कवर करता है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर मैमब्रेन न्यूक्लियर मैम्ब्रेन के अंदर ही आपके क्रोमाटीन मटेरियल होते हैं अब बोलोगे मैम क्रोमाटीन मटेरियल क्या होता है

मतलब वो विजिबल पार्ट होता है क्रोमोसोम मतलब हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के विद इन ही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रोमाटीन है ठीक है क्रोमोसोम्स मेक ऑर्गेनिज्म दैट दे आर ठीक है दे कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन यूज टू हेल्प ए सेल ग्रो थ्राइव और रिप्रोड्यूस uh, सेल को डिवाइड करने के लिए सेल को ग्रो करने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्रोमोसोम ही देता है क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं सेगमेंट ऑफ डी एन ए इन स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल जीन अगर डी एन ए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को देखते हो वो जीन है ठीक है जीन के भी अगर हम लोग बोले कि डी एन ए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है मतलब डी एन ए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रो कैरियोर डी एन ए फ्लोट इन द साइटोप्लाजम प्रो कैरियो में डी एन ए फ्लोट करते रहता है साइटोप्लाज्म में और इन एन एरिया कॉल्ड एट न्यूक्लियर मतलब ट्रू uh, न्यूक्लियस नहीं रहता हमारे प्रो कैरियोर्स में सो दैट डी एन ए न्यूक्लियर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ओके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं क्रोमोजम्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल दे यूजली सिट अराउंड इन अनकॉइल्ड एंड एज लूज शार्ट्स कॉल्ड क्रो क्रोमेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि क्रोमेशन क्या है ना हम बोल सकते हैं कि लूज मटेरियल उसको एक्चुअली क्रोमेशन फॉर्मेशन बोला जाता है या फिर क्रोमाटी ना बोल लो उतना एनफ है क्रोमोसोम आर यूजुअली फाउंड इन पेयर क्रोमोसोम ऑलवेज पेयर में रहता है एंड ह्यूमन बींग्स में क्रोमोजोम फोर्टी नंबर पर है मतलब फोर्टी नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं इसको हम पेयरिंग करें तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं पीज ओनली हैव ट्वेल्व एंड ए डॉग हैज सेवेंटी एट क्रोमोजोम्स मतलब हम बोल सकते हैं पेयर में काउंट करो तो सिक्स आपका सिक्स पेयर्स हो जाएंगे पीज में एंड सेवेंटी एट को भी आप वैसे ही काउंट कर सकते हैं ठीक है अब ये आ जाएगा नेक्स्ट बार में इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नंबर ऑफ अकॉर्डिंग नहीं होता है. ये में अगर कोई कैरेक्टर लेके जाता है तो उसी पे ही डिपेंड करता है न्यूक्लियो लॉस क्या है आपने पढ़ा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के इन ये सेल सेल के इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में एक छोटा सा पार्ट जो डार्कली स्टैंड होता है डेंस स्पेरिकल ग्रैन्यूल लाइक होता है वो होता है न्यूक्लियो ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को ठीक है इतना इनफ है आपके सेल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये पूरा चैप्टर है एक आपका सेल्स का मतलब पूरा एक यूनिट के अंदर फिफ्थ यूनिट है आपको अभी मैंने सिलेबस दिखाया था उसमें एक चैप्टर पूरा है सेल डिवीजन भी उसी का ही पार्ट है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड रिड्यूस थ्रू सेल डिवीजन अगर मैं बोलूँ कि एक ऑर्गेनिज्म से दो बन रहे हैं तो वह कैसे बनते होंगे तो सेल डिवाइड करके तो सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होंगे ठीक है इंक्रीज होंगे एंड देर आर टू मैथड्स दो मैथड से ये हो सकता है एक होता है माइटोसिस दूसरा होता है मियोसिस माइटोसिस का मतलब हो गया कि एक सेल से दो सेल बनेंगे ठीक है एंड मियोसिस हो गया वन सेल से एक सेल से चार सेल बनेंगे चार सेल बनेंगे ठीक है जो माइटोसिस है वो नॉर्मली पूरे बॉडी में हो सकता है ठीक है बट न्यूसिस है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पर होते हैं जर्म सेल्स जर्म सेल्स में ही होते हैं ठीक है नॉर्मली माइटोसिस को आप क्या बोल सकते हो नॉर्मल डिविजन्स बोल सकते हैं और इक्वल डिवीजन या समविभाजन बोला जाता है न्यूसिस को अर्द्धविभाजन बोला जाता है ठीक है माइटोसिस इट डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए मतलब सोच लो अगर पेरेंट सेल है पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं जितने आपके पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो पूरा ही डिवाइड होने के बाद भी जब दो सेल बनेगा उतना ही रहेगा डॉटर सेल्स में ये डॉटर वन ये डॉटर टू ये पेरेंट सेल है ठीक है तो ये माइटोसिस है माइटोसिस सेम पीसेस जेनेटिक कोड सब कुछ जाता है एंड देयर आर फाइव स्टेप्स इन दिस प्रोसेस अगर मैं बोलूँ कि कैसे यू याद रखोगे आप ऐसे कर सकते हो पी पी माटी पी माटी क्या होता है दैट इज़ एक अगर सेल साइकिल है इसको हम सेल साइकिल बोले तो पहला पॉइंट हम ऐसे कर सकते हैं कि पहला जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको हम इंटरफेज फाउंड करेंगे तो इंटरफेज नॉर्मली सेल में कितना होता है अगर एक साइकिल 24 फोर आवर्स का है ना तो 24 फोर आवर्स से 23 थ्री आवर्स आपके रेस्टिंग फेज में ही चला जाता है जिसको हम इंटरफेज भी बोल सकते हैं और बाकी का जो माइटोसिस है वो वन आवर में कम्प्लीट होता है तो कंप्लीट अगर ऐसा हो रहा है तो सोच सकते हो कि इंटरफेज कितना बड़ा है सो so, इंटरफेज ये इंटरफेज सोच लो एंड बाकी का यहाँ पे जो पोर्शन रहा है, तो ये चार स्टेजेस में या सब स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है जैसे कि मैंने बोला पी मैट पी मैट तो पी मैट दैट इज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज पी फॉर प्रोफेज एम फॉर मेटाफेज ए फॉर एनाफेज टी फॉर टीलोफेज और ये हो गया इंटरफेज द मेन थीम ऑफ म्यूसिस इज दैट देअर आर टू सेल डिविजन ठीक है मतलब म्योसिस में दो बार सेल डिवाइड होता है तो इसलिए चार सेल फॉर्मेशन होते हैं म्योसिस वन होता है म्योसिस में बोल रही हूँ अभी म्योसिस वन होता है ये वन है ये म्योसिस टू होता है ठीक है म्योसिस टू होता है सो म्योसिस वन में अगेन वही सेम प्रोसेस में आएगा प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन एंड टीलोफिज वन सेम चीज़ आपके टू में भी होगा प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलोफेज टू एंड पता क्या है नॉर्मली माइटोसिस में जैसा प्रोसेस है आपके न्योसिस का सेकेंड पार्ट में सेम वे से सेम प्रोसेस चलता है बट जो एक्चुअल आपको बोल सकते हो रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जा सकता है तो रिडक्शनल डिवीजन आपका पहले पार्ट में ही होता है वो भी प्रोफेज वन में स्पेशली तो प्रोफेज वन में अगेन पांच सब स्टेजेस हैं फाइव सब स्टेजेस हैं ठीक है लेप्टोटीन जाइगोटीन पाकिटीन डिप्लोटीन डायगैनिस ठीक है लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटीन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस ठीक है इतना आप याद रखो बस इतना एन एफ है इतना ज़्यादा और उसमें डिटेल नहीं जाना है अगर डिटेल जाना है तो बोलना मैं और एक बार समझा दूँगी ठीक है सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग सेल जो कि इंपॉर्टेंट है जो एम सी क्यूज़ के बेसिस में आपको ऊपर बोलते जा रही हूँ एम सी क्यूज़ करते तो बहुत टाइम जाता है इसलिए पूरा शॉर्टकट में लेके आई हूँ प्रिपेयर किया है आप एक बार सुन लेना नर्व सेल इन एनिमल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में कौन सा है नर्व सेल है स्मॉलेस्ट कौन सा है ह्यूमन्स uh, में रेड ब्लड सेल लार्जेस्ट ह्यूमन सेल लार्जेस्ट बोला जा रहा है तो फीमेल ओवम है सिंगल लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड तो वो ओस्ट्रीज का एग है द स्मॉलेस्ट सेल आर दो ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा ठीक है मतलब आप अगर स्मॉलेस्ट सेल्स सोच रहे हो तो वो माइक्रो है माइक्रो का अदर नम नेम में हम लोग देखते हैं तो पी, -पी बोला जाता है हम बोल सकते हो पी पी एल ओ को हम लोग नॉर्मली बोल सकते प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज ठीक है नेक्स्ट देखो एवरी मिनट अबाउट थ्री मिलियन सेल्स इन आवर बॉडी डाई एवरी मिनट में ये थ्री मिलियन सेल्स हमारे बॉडी में डाई हो जाता है सीप ट्यूब्स ये प्लांट्स रिलेटेड कुछ दे रही हूँ सीप ट्यूब्स इन प्लांट्स एंड द मैच्योर मामालियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस देखो मैच्योर मामालियन रेड ब्लड सेल्स मतलब आर बी सी जब मैच्योर हो जाए उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है उसमें माइट्रोकॉन्डिया भी नहीं रहता सिप ट्यूब्स प्लान्ट में होते हैं और प्लांट्स में भी आपका न्यूक्लियस नहीं है रेड ब्लड सेल्स कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे सी ओ टू एंड ऑक्सीजन हो गया ठीक है किसके हेल्प से जो आते हैं वो एक डिफ्यूजन फॉर्मेट में हो सकता है एक होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू सिप सेल्स मतलब सिप ट्यूब सेल्स आपका प्लांट में जो होता वो है वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स हो गए जस्ट लाइक आपके फ्लोएम एंड जाइलम का काम है तो वही वह सब करेगा द लाइसोजोमल एंजाइम्स लाइसोजोम बोला जा रहा है लाइसोजोम मैंने बोला था ना लाइसोजोम को हम सुइसाइडल बैग बोलते हैं तो लाइसोजोम एंजाइम्स ऑफ द स्पम सेल स्पम में नॉर्मली ये स्पम सेल ऐसा स्ट्रक्चर का होता है ऐसा है और उसके टेल होते हैं ठीक है ठीके? और ये एक््रोजोमल टीप है देन न्यूक्लियस का पार्ट ये आपका पोर्शन है स्पाइरल ऐसा पोर्शन रहता है यहाँ पे आपका सेंट्रल पोर्शन से एंड ये माइट्रोकॉन्डिया का पार्ट है एंड ये आपका प्लाजिला है जिसके थ्रू ये मूव करता है तो इसमें जो आपका क्या प्रेजेंट है लाइसोजोम लाइसोजोमल एंजाइम होता है इसके टी पोर्शन में एक लाइसोजोम होता है स्पर्म का हाइलोरोने डेज बोलते हैं मतलब लाइसिन के जैसा काम है, आ, करता है वो डिजॉर्व करने में हेल्प करता है ओके सेल को डिजॉर्व करेगा ओवम के मेम्बरिन को एंड उसमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है लाइसोजोमल एंजाइम ऑफ द स्पर्म सेल डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्बर ऑफ द ओवम अभी समझाया लाइसोजोमल जो एंजाइम है वो डिज़ोल्व करेगा एंड ओवम में रास्ता बनाएगा कि एंटर करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेटपोल टेटपोल जानते हो फ्रॉक का होता है फ्रॉक के लालवी को टेटपोल बोल सकते हैं टेटपोल से लेकर टेटपोल जस्ट लाइक द फेस लाइक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा एलोंगेटेड उसके टेल uh, होते हैं एंड लेग्स ध धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है एंड uh, uh, ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉक में द एम्ब्रायनिक टिश्यू मतलब जो बेबी स्टेज में होता है एम्ब्रायो स्टेज में होता है वो टिश्यू लाइक गील्स एंड टेल्स आर डाइजेस्टेड बाई दी लाइसोजोम तो फ्रॉग में जब कंप्लीट फ्रॉग फॉर्मेशन हो जाए तो उसी बीच जो गील एंड टेल होता है वो डाइजेस्ट कौन कर लेता लाइसोजोम कर लेता है माइट्रोकॉन्डिया कंटेन डी एन ए में क्या प्रेजेंट रहता है डी एन ए हो सकता है आर एन ए भी हो सकता है या फिर राइबोसोम्स पर प्रेजेंट रहता है तो ये पहले भी बोला था तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो डी एन ए कैरी करता है या फिर क्लोरोप्लास जो डी एन ए कैरी करता है डी एन ए आर एन ए रबोजोम और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है तो इन तीनों का काम क्या है ये तो एक आपका हो गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है प्लस ये अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट भी है बिकॉज uh, ये अपना कॉपी फॉर्मेशन कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेंट डी एन ए हेन्स द कैपेबल ऑफ रेप्लीकेशन मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स मतलब जस्ट लाइक द फ्लूइड तो ये कैसा दिखता है फ्लूइड जो ट्रांसपेरेंट हो होमोजेनस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है इन इट्स एक्टिव स्टेट इट रिमेंस सैचुरेटेड विद वाटर ये एक्टिव स्टेट में मिक्स हो सकता है मतलब सेचूरेट uh, हो जाता है वाटर के साथ चलो तो ये सेल रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन था अगर सेल साइकिल के रिलेटेड आपको और भी जानना है तो मैं और एक शॉर्टकट लेके आऊँगी बता दूँगी फाइव टेन मिनट्स में ये आज हम लोग पूरा सेल से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन कर रहे थे तो इतने क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे एंड अभी आ जाओ टिशू में नॉर्मली टिशू से भी एक आधा क्वेश्चन रह रहा है तो इसलिए टिशू को भी देखना पड़ेगा ठीक है टिश्यू क्या है एपिथेलियल टिशू बोलते हैं और एपिथेटिकल टिशू भी बोल सकते सो एक्चुअली एपिथेलियल टिशू होता है एपिथेलियल टिशू एपी मीन्स एवहॉप है तो आप अपने हाथों को अभी टच करो या बॉडी को टच करो तो आपको जो टिश्यू एबॉव लेयर में दिख रहा ना वो एपिथेलियल टिश्यू भी है एंड एपिथेलियल टिश्यू को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है अगर सिंगल लेयर में फॉर्मेशन हो रहा है जस्ट लाइक दिस ऐसा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे आपके आ, एक लेयर में फॉर्मेशन है तो एंड न्यूक्लियस होगा ऐसा एंड एक सरफेस और एपेक्स बॉडी आपका फ्री रहेगा तो इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अगर इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे लेयर्स बने हैं तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है अगर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है तो क्यूबोडल बोला जाता है एंड ये अगर ऐसा थोड़े लंबे लंबे होते तो कॉलमनर बोला जाता अगर ये ऐसा टाइप का हनी लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ऐसा टाइप का बना रहा है तो इसको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है अगर ये ग्लैंडुलर सेल में प्रेजेंट है जैसे ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर में ऐसा प्रेजेंट है एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है तो इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल बोला जाता है ठीक है अगर ये सेंसरी सेल में प्रेजेंट है तो सेंसरी एपिथेलियल सेल हम बोलेंगे जिसके साथ सिलिया पे प्रेजेंट होगा एंड बाइपोलर सेल ऑफ द रेटिना ये भी हो सकता है सो so, अभी देखो ठीक है मल्टी टायर बोला गया अगर ये सिंपली एक लेयर में प्रेजेंट है सिंपल एपिथेलियल बहुत सारे लेयर्स ऐसे ऊपर ऊपर प्रेजेंट है देन मल्टी टायर और स्ट्राटिफाइड स्ट्राटा मीन्स लेयर ऐसे प्रेजेंट है तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टी टायर ऑफ सेल स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल सेप सेप के अकॉर्डिंग कैसा होगा क्यूबोडल मतलब मैंने आपको बताया था क्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like में होगा ये कहाँ प्रेजेंट है बस यूथ याद रखो किडनी के ट्यूब्यूल्स में किडनी के ट्यूब्यूल्स मतलब आपके नॉर्मली हो गए किडनी का स्ट्रक्चर बनाना है उसमें जो ट्यूबुल्स प्रेजेंट है देन आपके पास ये पोर्शन है दैट इज़ क्यूबोडल एपिथीलियम का बात हम लोग बोल रहे थे तो इट इज़ ऑकर्ड इन किडनी किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी मैंशन है सेलिवारी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते है एंड इनर लाइनिंग ऑफ दी चिक सेल तो आपके चिक सेल में भी यही प्रेजेंट है मतलब चिक जो आपका पोर्शन है चिक पोर्शन तो चिक पोर्शन के लाइनिंग में भी इनर साइड में यही रहता है इट मीन्स फंक्शन इज टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ठीक है चलो आगे चलो आगे मैं आ गया हमारे पास नेक्स्टली देख लो सुन लो अच्छे से वन टाइम कॉलमनर सेल अगर मैंने अभी बोला था कि कॉलूमनर मतलब कॉलम लाइक -like होगा या फिर पिलर लाइक -like होगा तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल हो गया एपिथेलियल सेल हो गया जस्ट लाइक दिस ओके इट्स लंबा लंबा होगा एंड इट इज प्रेजेंट कहाँ पे रहता है स्वेट ग्लैंड में है टीयर ग्लैंड में है सेलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट है इसका मेन फंक्शन क्या है मेन फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही होता है कंसर्न विद द सिक्वेशन स्क्वामस एपिथेलियल सेल मैंने अभी बोला था जो इेगुलर सेप में हो सकता है या फिर आपके थोड़ा सा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स पर प्रेजेंट होगा तो स्क्वामस व्हेन इट फॉर्म्स ए लिविंग एज दैट ए ब्लड वेसल सो ये एंडोथेलियम अगर एंडोथेलियम लिविंग एज दैट ब्लड वैसल ब्लड वैसेल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट है दैन इसको एंडोथेलियम बोलेंगे एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम इंजुरी एंट्री ऑफ जर्म्स तो ये हेल्प करता है जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या ना जाए इंजरी ना हो जर्म्स ना जाए तो इसलिए ये हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यूज क्या है इट मेन्स फंक्शन इज टू बाई एंड सपोर्ट अदर टिश्यू कनेक्टिव हो गया तो जस्ट लाइक like आपका आ, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसका हम नाम अभी बोलेंगे टेंडॉन लिगामेंट अगर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर है मतलब गैप्स रहेंगे तो ये टेंडॉन लिगामेंट हो गया ईयर पास होता होगा ईयर गैप्स होंगे तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर बोल सकते हैं एडिपोज एडिपोज स्कैलिटल टिश्यूज़ कौन से होते हैं स्कैलिटल बोल दिया एडिपोज भी बोल दिया तो आपके बोन एंड कार्टिलेज में आ जाते हैं फ्लूड क्या है तो एडिपोज में बहुत सारे आते हैं और भी है बट आपके लिए नॉर्मली इतना होने से हो जाएगा अभी के लिए कि बोन एंड कार्टिलेज फ्लूइड क्या है यू नो दैट ब्लड एंड लिम्फ आपका फ्लूइड होता है लिम्प का कलर आपका जस्ट लाइक like, अगर किसी ने बोला लिफ का कलर क्या है तो आप बोल सकते हो आपके नियर अबाउट पेल येलो कलर जैसा आपका स्ट्रक्चर आ सकता है मतलब पेल येलो टाइप का कलर हो सकता है तो वैसे ही येलोइश येल्लोइ लाइट येलोइश ऐसा क्रीमी कलर्स में आता है स्ट्रक्चर्स में भी आपको देखने को मिल जाता है एरियोलर टिश्यू अभी क्या है एक एक समझते हैं तो इट फिल्स स्पेसेज इनसाइड दर्गन मतलब एरियोलर बोला जा रहा है इसमें एयर पास होना चाहिए और ये मसल ब्लड वेसल नर्व्स में जो स्पेस है उसको फिलअप करता है इट्स मेन फंक्शन इज टू जॉइन स्किन टू मसल याद रखना जॉइन स्किन टू मसल सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन हेल्प इन द रिपेयर ऑफ़ द टिश्यू टिश्यू को रिपेयर करने के लिए मसल स्किन टू मसल को ज्वाइन करने के लिए इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है व्र एज अ टेंडॉन्स अगर मैं बोलूँ स्किन टू मसल्स को जॉइन रहा स्किन टू मसल्स को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा तो ये टेंडॉन है टेंडॉन है एंड लिगामेंट क्या कहता है बोन टू ईच अदर मतलब बोन टू बोन को कनेक्ट करने में लिगामेंट रहता है सो so आप ऐसे याद रख सकते हो एल बी बी एल अगर बोला गया तो दैट इज़ अ लिगामेंट है लिगामेंट जो बोन टू बोन को uh, कनेक्ट करता है अगर टी एम बोल दिया टी एम बी दैट इज़ द टेंडन है मसल टू बोन को ज्वाइन करने में हेल्प करता है ठीक है एडिपोज टिश्यू क्या है नॉर्मली एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन तो प्रेजेंट रहता है एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स भी है एंड इन द येल्लो बोन मैरो भी प्रेजेंट है इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोरेज ऑफ फैट ये फैट स्टोर करने में हेल्प करता है जिससे बॉडी को हीट मिलती है और हमें ठंडा कम लगता है जस्ट लाइक ब्राउन फैट टिश्यू वाइट फैट टिश्यू बहुत सारे होते हैं बेबीज़ में ब्राउन फ़ैट ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जब हम लोग इलास्टिन फाइबर्स का बात बोलते हैं येलो इलास्टिन फाइबर्स वाइट इलास्टिन फाइबर्स तो ऐसा पोर्शंस आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें टैलीटल टिश्यू बोन एंड कार्टिलेज बोल दिया गया जैसे कि आपके हो गया ना कार्टिलेज बोल दिया जा रहा है आपका नोज नोज में कोई बोन नहीं होता तो वहाँ पे कार्टिलेज से बना है आपका एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस है ग्लोटिस के ऊपर जो प्रेजेंट है वो एपिग्लोटिस है एंड इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट ये सपोर्ट बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है बोन ये कार्टिलेज का पार्ट बोला तो बोन क्या करता है बोन एक मतलब फ्रेम बनाता है ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ऑर्गन्स उसके विद इन रहते हैं एंड बोन उसके ऊपर एंड उसके ऊपर मसल्स कनेक्ट होता है तो यहाँ पे इससे बोन को मतलब आपके पूरा जो ऑर्गन्स है बोन उसको सपोर्ट करता है स्केलेटन बना के फ्लूइड टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ है आप ये जानते हो ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस एंजाइम हार्मोन्स ऐसा

उसके ओ पॉजिटिव के बाद कोई ज़्यादा पाया जाता है कोई भी ब्लड ग्रुप वो ए पॉजिटिव है सो so, अभी एक पॉइंट ये आता है कि यूनिवर्सल डोनर है ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपियंट है ए बी ए बी वाला हो गया तो इसके बाद आ, मतलब आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है ड्यू टू आर वी सी आर वी सी में हीमोग्लोबिन रहता है एंड उसमें माइट्रोकॉन्डियर न्यूक्लियस एबसेंट रहते हैं और इसको हम इरीथ्रोसाइट बोलते हैं इरीथ्रीन मतलब ये रेड कलर का पिगमेंट होता है तो एडिथ्रीन हो गया वो एंड अगर मैं बोलूँ ल्यूकोसाइट ल्यूको मतलब वाइट वाइट डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी में आपके इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए जनरेट करने के लिए सेल्स रहते हैं जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बहुत ही बाइलोग ट्राइलोग्ड एंड यूनिलोब्ड भी हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका एसिडोफिल बेसोफिल एंड ईसिनोफिल बनते हैं एंड उसके साथ अगर लार्ज सेल्स है जस्ट लाइक द मोनोसाइस मैक्रोफेज ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है प्लस लिम्फोसाइटिक सेल्स भी हैं जो कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, डब्ल्यू बी सी का पार्ट है तो ल्यूकोसाइट क्या करेगा अगर लिम्फोसाइट सेल वहाँ पे प्रेजेंट है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो वो हमें डिजीज से बचाएगा प्लेटलेट हेल्प करता है जैसे कि आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है तो प्लेटलेट्स के पास आपके प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन ऐसा आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है तो इससे बॉडी को हेल्प मिलता है अगर कहीं पे कट हो जाए तो उसको वहाँ पे थ्रोम्बिन फॉर्मेशन करके फटाफट ठीक करने के लिए थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन फॉर्मेशन करके फटाफट ठीक करने में लिम्प क्या करता है लिम्प हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिय इन टू द हार्ट हार्ट को मटेरियल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इट आल्सो फॉर्म्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से अभी आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट है मॉस्कुलर टिश्यू मॉस्कुलर टिश्यू मतलब ये तो समझ लो मसल सेल्स होंगे तो मसल सेल्स में हमारे पास पहले तो समझ लो कि मॉस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है बॉडी में एक होता स्केलीटल मसल एक होता है दूसरा होगा आपका कार्डियक मसल एक होगा स्मूथ मसल तो स्केलीटल मसल मतलब प्राइमरी वर्ड से ही समझ लो कि इट अटैच प्राइमरी टू बोन्स ये बोन्स के साथ अटैच रहता है एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन ये आपको एनर्जी एक्चुअली प्रोवाइड करता है कि आपको एक स्केलेटल मसल्स मतलब स्ट्रेंथ देगा मूव करने के लिए वॉल्यूटरी मूवमेंट्स के लिए बॉडी का जैसे दौड़ना है चलना है बैठना है सब कुछ करने के लिए कार्डियक मसल्स ये हार्ट का मसल्स है एंड ये uh, मतलब हार्ट मसल्स है तो हेल्प करता है ब्लड पम्प करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू नेक्स्ट होता है स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स आपके स्टमक में इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है एंड uh, ये क्या करता है इनवॉलेंटरी नेचर होता है नेक्स्ट नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट है थ्रू आउट द बॉडी एंड दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड विथ ए कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पलसेस एंड कन्वे देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मीन्स आपका इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है जस्ट लाइक न्यूरॉन्स के तीन पार्ट होते हैं जैसे कि हो गया जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो ये न्यूक्लियस है तो ये आपका न्यूरोन का मतलब हेड पार्ट है हेड पार्ट है ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपका एग्जॉन बनेगा तो ये साइटॉन बॉडी ये एग्जॉन ये एग्जॉन बॉडी ये एक्जॉन बॉडी ये साइटॉन बॉडी ये न्यूक्लियस निजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता, होता है विद इन न्यूरीलेमा होता है फ्लूइड इसका कवर अगर रहेगा तो एक्जोन का जो कवर है एग्जोलेमा एंड वहाँ पे भी आपके स्वानसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऐसा आपके साइटोन बॉडी से ऐसे जो ब्रांचेस निकले वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम डेंड्राइट और डेंड्रॉन बोलते हैं ठीक है सो ये पूरे बॉडी में ऐसे ही जॉइंटेड वे से बिखरे हुए रहते हैं तो हमारा जो डेंड्राइट है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और एग्जॉन जो है इन्फॉर्मेशन को पास करके नेक्स्ट न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करता है तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्ट होकर थ्रूआउट बॉडी इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन और इम्पल्स को कैरी करके ले जाते हैं और कन्वे करते हैं सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द नर्वस टिश्यूज नाइन्टी एट परसेंट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू कितना है दो टाइप का होता है एक होता है न्यूरोन्स एक होता है न्यूरोग्रिया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द एनिमल टिश्यू क्या है मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन मसल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं तो मसल्स में प्रोटीन्स जो हैं उनका नाम क्या होगा बता सकते हो तो यहाँ पे नाम आपको मैंशन होगा दैट इज़ So that is the actin एक्टिंग myosin normally नॉर्मली मसल्स कंटेन द स्पेशल प्रोटीन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको हम एक्टिंग एंड मायोसिन बोलते हैं जिसके मूवमेंट से जिसके अटैचमेंट से क्रॉसलिंग uh, ब्रिजेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका मसल्स मूव करता है विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ओके फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू जहाँ पर फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू कहाँ पर मिलते हैं स्किन के नीचे एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स टू बोन्स आर कनेक्टेड बाई ईच अदर थ्रू द लिगामेंट हमने क्या बोला था एल बी बी एल बी बी ओके वेरी इलास्टिक इन नेचर होता है अगर हम टी एम बी बोल दें तो टी एम बी मतलब टेंडॉन मसल टू बोन को ज्वाइन करता है द स्किन द लिविंग ऑफ लिविंग ऑफ द माउथ जो मतलब आपके स्किन है माउथ के अंदर या लिविंग ब्लड्स वेसल्स में किडनी ट्यूबल्स में है सब कुछ में क्या प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू है

जस्ट लाइक नोट करो स्पाइडर यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्जोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन एंड फ्लूड प्रेशर फॉर मूवमेंट तो स्पाइडर्स में एक्जोस्केटन प्रेजेंट है आपके कॉकरोच में भी प्रेजेंट है सार्क रेफीज जो होते हैं हैप स्केलेटन कंपोज एंटायरली ऑफ कार्टिलेज उनका सार्क में और रे फीसेस में कार्टिलेज से बना रहता है एंटायरली स्केलेटन अदर वर्टिब्रेट्स हैप जिनके भटिब्राल कॉलम होते हैं उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है जिनके नहीं हैं उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं सो अदर वटीब्रेड्स हैव एन एम्ब्रायोनिक कार्टिलेज कैलिटन एम्ब्रायोनिक कार्टिलेज मतलब एम्ब्रायो स्टेज में बेबी स्टेज में ये कार्टिलेज से बना रहता है और धीरे धीरे जैसे कि मैच्योर हो रहे तो उसमें बोन से वो रिप्लेस्ड हो जाता है सम एरियाज ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के सम एरियाज हाव एवर रिटेन कार्टिलेस इन द एडल्ट कार्टिलेस रहता है कुछ पोर्शन में ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में एंड इन जॉइंट्स फ्लेक्सीबल स्ट्रक्चर सच्चा सा रीप स्ट्राकिया नोज ईयर ये सब काटली से बना है अपर बोन्स ऑफ द लीम्स अपर बोन्स ऑफ द लीम्स आर सिंगल जैसे कि ह्यूमरस एंड फ्यूमर होता है ठीक है बिलो ए जॉइंट बिलो ए जॉइंट जस्ट लाइक एल्बो और नी पोर्शन में यहाँ पे क्या होता है ये पेयर ऑफ बोन्स होता है जस्ट लाइक पैरों में अगर देखना है तो पैरों में प्रेजेंट है टीबी फिबुला एंड हाथों में प्रेजेंट है रेडियस अल्ना ठीक है रेडियस अल्ना दैट कनेक्ट टू अनदर जॉइंट थ्रू रिस्ट एंड एंकल अगर पैरों में है तो एंकल के साथ ये जॉइंट होता है और रिस्ट में है तो मतलब हाथों में है तो रिस्ट के साथ जॉइंट होगा द कार्पल्स मेटा कार्पल्स ये जो बोला गया है ये रिस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है मतलब कार्पल्स आपका रिस्ट जॉइंट्स मेकअप द रिस्ट जॉइंट टार्सल आपका एंकल में रहता है ठीक है बोन्स क्या होते हैं न बोन्स हैव सेल्स एम्बेडेड इन द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स एंड कोलाजैन फाइबर मिनरलाइज मतलब कैल्शियम से बना रहता है एंड कोलाजेन फाइबर्स में प्रेजेंट होता है द स्पॉन्जी बोन्स जैसे कि फ्यूमर ह्यूमरस टर्नम स्टर्नम आपका uh, सामने की तरफ आप अभी टच कर सकते हो अपने बॉडी को नेक के नीचे से ही आपके पास एक तीस सेप्ट का बोन होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं एंड कंटेंस आर रेड बोन मतलब रेड मैरो इन विच द स्टेम सेल्स रिप्रोड्यूस ठीक है स्टेम सेल प्रोड्यूस होता है एंड फॉम द सेलुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड एंड इम्यून सिस्टम येल्लो एट द सेंटर ऑफ दिस बोन्स इज यूज टू स्टोर फैट अगर कहीं पर येल्लो मैरो है रेड बोन मैरो अलग होता है येल्लो मैरो है बोन मैरो अलग होता है अभी अभी हम क्या करेंगे रेड कलर का अगर है तो उसको हम रेड मैरो बोलोगे एंड येलो कलर का है तो हम येलो मैरो बोलेंगे जहाँ पे फैट एंड uh, मतलब आपके जो हो गया लिपिड्स ये सब स्टोर होता है द आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड द पेरिओस्टियम पेरियोस्टियम बोलते हैं अगर बोन डिस्ट्रॉय हो रहा है पोर्स हो जा रहे उसकी ओ बोला जा रहा है वैन फ्रैक्चर्स ऑकर्स अगर फ्रैक्चर होता है द पेन इन इज कैरी टू द ब्रेन बाई नर्व्स ठीक है जो पेरियोस्टियम में न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं वही लेके जाते इन्फॉर्मेशन ब्रेन को कि आपको चोट लगा फ्रैक्चर्स हो गया स्केलेटल मसल सिस्टम व्हेन वन मसल फ्लेक्सेस और कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्सेस एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है इस प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म प्रोसेस बोलते हैं चलो नेक्स्ट मसल्स हैव बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉस्कुलर नॉन मॉस मॉस्कुलर सेल्स नॉन मॉस्कुलर बोला गया है तो सम फीस हैव मोडिफाइड मसल दैट डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कुछ मसल्स फीसिस में है जो कि मोडिफाइड मसल्स हैं वो डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को दिस फीजेस हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन उनमें क्या होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गनस होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रो प्लेट्स भी बोल सकते हैं एंड द साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक इल साउथ अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक इल मिलते हैं उनमें सिक्स थाउजेंड प्लेट्स हैं ऐसे इलेक्ट्रो प्लेट्स एंड सेवेंटी कॉलम्स में वो अरेंज रहता है एंड डिस्चार्ज अबाउट वो हंड्रेड वर्ड्स एनर्जी वो डिस्चार्ज कर सकता है नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ही जॉइंट है वो अदर पार्ट्स को मूव करता है ठीक है इसमें बंडल ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स क्या है न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज नर्व सेल्स न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स होते, मतलब होते हैं मतलब नर्व टिश्यूज में न्यूरॉन्स होते हैं एंड ग्लियल सेल्स होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं न्यूरॉन्स क्या करते हैं ट्रांसमीट इन्फॉर्मेशन और नर्व मैसेजेस ग्लियल सेल्स क्या करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं न्यूरोस के साथ और अप करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तो न्यूरॉन पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ह्यूमन हैव हंड्रेड बिलियन न्यूरो उससे भी प्लस हो सकता है इन द ब्रेन अलोन ये ब्रेन में ही हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स हैं वेरियस इन साइज एंड सेप डिफरेंट साइज सेप का हो सकता है मैंने अभी बोला था स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर नीचे के तरफ है जस्ट लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जस्ट लाइक आप बोल सकते हो ब्रांचेस जैसा है रूट्स जैसा है तो उसको एक्जॉन बोलते हैं बैठो जो न्यू क्वेश्चंस लिख रहे हैं बस माइंड में क्वेश्चन रखो आंसर वहाँ पे ऐसे लिखते चलो वो चाहे पेंसिल में ही क्यों ना लिखो रिमेंबर हो जाएगा पूरा अच्छा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ डैश बाय एनिमल्स ग्लूकोज हमारे बॉडी में भी कौन से फॉर्म में रहता है बोल सकते हो ग्लाइकोजन 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 अच्छा ग्लाइकोजन में अगर इश्यूज आते हैं फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा कौन सा डिजीज होगा यू नो दैट बायोलॉजी के नहीं हो फिर भी डायबिटीज डायबिटीज वेरी गुड डायबिटीज हो जाएगा अच्छा डायबिटीज को क्योर करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं या कौन सा चीज को बढ़ाया जाता है इंसुलिन यही सारे क्वेश्चन है देखो एक डिजीज आया है आस्कारियासिस ठीक है आस्कार से अरे तुम लोग पढ़े हो बचपन से ही पढ़े हो yeah, राउंड वर्म्स वाइट वर्म्स ना, ना. ना. बस ये राउंड वर्म्स है और इस राउंड वर्म्स का नाम रहता है आस्कारिस लुम्बरी ठीक आस्कारिस आस्करिस कोड्स इसका नाम होता है और इसको राउंड वर्म हम बोलते हैं अच्छा ये तो पूरा नाम सुन लो बीसीजी का फुल फॉर्म याद रखो लिख के पूरा पूरा बीसीजी का फुल फॉर्म एक आ सकता है बेसिलस कैलिमेट गुइरेन गुरीन ग्यरिन

फोर ठीक है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन uh, ले लो अरे मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन uh. ले रही हूँ कोई बात नहीं चलो चलो देखो ए बी ओ ए बी एंड ओ अभी इसमें अगेन अगर आपको पूछा जाए कि कितने टाइप्स में है अगर ऑप्शन में आठ लिखा है तो आठ को करेक्ट करोगे आठ क्यों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो आठ हो गए

ए भी नेगेटिव भी नेगेटिव।, A b भी नेगेटिव चलो नेगेटिव। ठीक है तो देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आ गया ब्लड ग्रुप्स का द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ अच्छा। इंडिया में डॉक्टर देखो क्या लगता है पनानगी पल्ली वेणुगोपाल ठीक है आप बस डॉक्टर वेणुगोपाल याद रख सकते हो पी वेणुगोपाल पी वेणुगोपाल ठीक है नेक्स्ट देखो द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रही हूँ ओरल पोलियो ठीक है ओरल पोलियो बोला जा रहा है आप लोग लेते हो ना बचपन में हमने पिया है दो बूंद जिंदगी की सो दैट इज जोनस साल्क ने निकाला था जोनस साल्क ने निकाला था डिस्कवर्ड बाय द जोनस साल्क इसको एक्चुअली प्रोनाशिएशन में आता है साख जोनस साख बट एल अभी आ रहा है तो हम याद रखने के लिए कर रहे हैं बस जोनस साल्क ठीक है देखो ये सेल कहाँ पे है बता सकते हो बस हिंट मारो ये सेल कहाँ पे होगा कंपनियन सेल्स आर यूनिक टू मुझे बस इतना जानना है कि आप कितना जानते हो ह्यूमंस में है या फिर बर्ड्स नहीं प्लांट्स प्लांट्स में प्लांट्स में, में. में और प्लांट्स में भी कहाँ पे होते हैं एनजीओ स्पम में होते हैं ठीक है कहाँ पे होंगे एनजीओ स्पम में अच्छा एनजीओ स्पम जिम्नो बोल सकते हो हाँ वैसा अदरवाइज और एक वर्ड है देखो जिम्नो एन जी ओ ठीक है एन जी ओ जिम्नो तो एनजीओ मतलब हो गया एक वर्ड आता था हमारा ओडिया में पढ़ते थे आवृत्ति बीजी ठीक है पढ़ते थे हमें नॉग्लो बीजी हाँ सीट कवर रहेगा सीट कवर नहीं आ, रहेगा ओके तो उस अकॉर्डिंग एनजीओ फॉर्म में कवर रहता है जिम्नो में कवर नहीं रहता है ठीक तो है तो कंपनी एंड सेल कहाँ पे प्रेजेंट है एनजीओ में प्रेजेंट है डीएनए का फुल फॉर्म Deoxy, रही हूं. ये dog bite can cause एक अगर कुत्ता हमें काटेगा तो हमें क्या हो सकता है रेबिस हो सकता है रेबिस बीमारी हो सकता bite of which can also cause है बाइट ऑफ विच एनदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबिस कौन सा ऐसा एनिमल है डॉग अगर हमें काट ले तो हमें रेबिस हो सकता है बाइट अगर मतलब कोई भी एनिमल दूसरा एनिमल हमें काटे तो सेम डिजीज होगा तो वो है आपको रेबिस होगा बाई बैट होने से चलो इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं बोल सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डैश ग्लैंड्स और डक वाले ग्लैंड

स्मॉल फॉक्स का वैक्सीन जब से आया ये खत्म होने वाला है एडवर्ड जेनर ने निकाला था डेफिशियं ऑफ आयोडीन लीड्स टू क्या होते है गले में water, 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 water. Water, water. को बोल दिया न्यूक्लियोटाइड अभी न्यूक्लियोटाइड अगर बोला है न्यूक्लियोटाइड अगर बोला है तो न्यूक्लियोटाइड में है क्या याद रखने के लिए नाइट्रोजेनस बेस ठीक है प्लस सुगर मॉलिक्यूल नाइट्रोजेनस बेस प्लस सुगर मॉलिक्यूल और क्या रहेगा बताओ कोई जानता है फास्फोरिक एसिड H3PO4 PO4 ठीक है H3PO4 फास्फोरिक एसिड H3PO4 ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है सब बताओ जल्दी H2 H2 SO4 बस H2SO4 HNO3 क्या है जल्दी कौन सा एसिड नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड ओके गुड तो अभी न्यूक्लियोटाइड हमारा बन गया देन कैसे न्यूक्लियोटाइड बना हमारे नाइट्रोजेनस बेस एंड बी देन सुगर मॉलिक्यूल प्लस आपका एस थ्री हाँ फॉस्फोरिक एसिड ओके इससे बना तो एक नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर सब मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बना ऐसे बहुत सारे मिल के पूरा आपका जीन बनते हैं और जीन जब बड़ा हो जाए देन क्रोमोजोम बनेंगे ऐसा सीक्वेंस बनता है तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथा एक साथ जुड़ा है तो इसको क्या बोलोगे पॉली न्यूक्स मेनी मेनी समझो क्या है yes, क्रोमोज हाँजो में जीन होता है ना। हाँ, तो जीन सब मिक्स होंगे तभी क्रोमोज बनेंगे जीन छोटा पार्ट है यूनिट है क्रोमोजोम बना है ठीक है क्रोमोजोम बड़ा होता है तो इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमंस में बोलो ह्यूमंस में कितने पेयर क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर 23, 23। 23 23 है, और हाँ पेयर्स है।, हा, है और नंबर में काउंट करें 46, तो फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स हैं तो क्रोमोजोम्स के अंदर सोचो ये क्रोमोजोम हैं क्रोजोम कुछ एक्सेप्ट का दिखता है मेटाफेज स्टेप में और आ, इसको हम आर्म्स बोलते हैं उसके भी हाथ पैर होते हैं हम मैं ऐसे पढ़ती हूँ आर्म्स बोलते हैं और एक एक आर्म्स में अगर देखो ऐसे करके बहुत छोटे 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 ऐसे ऐसे बने रहते हैं तो दी ज्यादा जीन्स ये छोटा छोटा पोर्शन यहाँ पे अगर इतना भी कट करो तो ये जीन है इधर भी कट करो तो जीन है ये भी कट करो तो जीन है तो ये सब छोटे छोटे पीसेस होते हैं जीन के जो अगेन ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा ह्यूज चेन बनाते हैं और उसी चेन को अगर कम्पैक्टली ज्वाइन कर दिया जाए तो आपका बनेगा क्रोमोसोम ठीक है चलो नेक्स्ट हेमाटोपोएसिस वर्ड से समझो पहले हेमाटो बोला गया तो हेमाटो मतलब क्या है ब्लड से होगा रिलेटेड yeah, होगा तो इन बोन याद रखो अच्छा आ, का मतलब क्या है टिश्यू मतलब हिस्टोलॉजी तो मतलब हो गया यहाँ पे आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल्स बनेंगे आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स बनेंगे डब्ल्यू तो हेमाटोपोइसिस एक्चुअल में होता है बोन मैरो में

अरे हैंसन की जगह में हैंडसम मत लिख देना फिर ठीक है याद रखना यहाँ से मैम ने कुछ अलग बोला था दैट इज अन्स डिजीज नेक्स्ट 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 देखो ये ह्यूमन स्कल नंबर ऑफ बोन्स समझ लो पूरा डायरेक्ट दिया है ऑप्शन लिखने को टाइम नहीं हुआ आपका जो स्कल है खोपड़ी खोपड़ी ये आपका खोपड़ी आपका फेस भी नहीं बोल रही हूँ फेस अलग है बस इतना सा आपका सर ठीक है उसमें ट्वेंटी टू बोन्स हैं ठीक ट्वेंटी टू बोन्स हैं डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल लीड्स टू ए फीलिंग फीलिंग ए इन ह्यूमन अभी रिसेंटली किया था ना कुछ टाइम पहले लैक्टिक एसिड ओके चलो लैक्टिक एसिड आरबीसी काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज व्हेन ए पर्सन इज हैविंग डैश क्या हो सकता है पॉलीसाइथेमिया याद रखो पॉलीसाइथेमिया अच्छा आरबीसी के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ ताकि आप लोगों को बायोलॉजी कम पढ़ना पड़े आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है आरबीसी क्या है एक एक बताते हो रेड 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 ब्लड तो बर्ड कर्पस को सेल बोलिए ना ऐसा कुछ दिखता है अरे बादाम खाए ना बादाम चिना बादाम हाँ उसी का सेब का होता है ठीक है ऊपर से देखोगे तो ये गोल दिखेगा और अंदर थोड़ा सा गैप दिखेगा पोलो चॉकलेट खाए हो व्हाइट वाला हाँ बस वैसा या डोनट सेप का होता है और ऊपर को नहीं देख के साइड से अगर देखेंगे तो ये डंबल सेप का या फिर बादाम के सेप का दिखेगा ठीक है अभी देखो बीच का गैप है ना बीच वाला पतला है मोटा वाल साइड वाले मोटे हैं बीच सेंटर पतला साइड मोटा रीजन क्या है बोल सकते हो इसमें क्या चीज नहीं होता है माइट्रोकोन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस नहीं है का क्यों है कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है बताओ iron. 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 और iron के साथ क्या जुड़ा है ठीक Hemo. है हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले सकता है सारे क्वेश्चन आपका ओस्टेड ओटेड से है देखो पूरा याद रख दिया देखो एच बी फोर तो एच बी अगर फोर होगा अगर एक एच बी एक ऑक्सीजन को ले सकता है तो चार है तो कितना लेगा बताओ चार, ले। चार बी है चार बी है मतलब एच बी चार, चार है, है तो ऑक्सीजन एक बी में अगर दो ऑक्सीजन लगता है दो, चार दो, बी में कितना लगेगा आग, 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 बस आग, तो आपका आठ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका एच बी फोर लेके जाता है ठीक है क्योंकि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन एच बी फोर के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट है आर बी सी के विद इन उसमें क्या नहीं है uh, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं माईट्रोकौंड्रिया है याद रखना न्यूक्लियस नहीं है इतना याद रखो एंड आर बी सी अगर बहुत अच्छा है बोलते हैं ना मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा है बढ़ गया है और अराउंड uh, मेल में रहता है फोर्टीन टू फिफ्टीन एंड फीमेल में रहना चाहिए दैट इज टेन टू थर्टीन के विदिन ठीक है ट्वेल्थ थर्टीन के विदिन रहना चाहिए इतना अच्छा वाला हिमोग्लोबिन सबके अंदर है तो ये हीमोग्लोबिन अगर बढ़ रहा है एक पर्सन में दैट मीन्स उस पर्सन को क्या है पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया वेर द लैक्रीमल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन ये बोल दो लेक्रिमल समझाया था मेबोमैन ग्लैंड एंड लैक्रीमल ग्लैंड कहाँ पे है आंखों में आई 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 ठीक है आई में प्रेजेंट है देखो ये अभी तो सुंदर आंख नहीं बना सकती मैं टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा चलेगा लो आईब्रो थोड़ा टेढ़ा कर दिया आँखें बन गई रे मेरे चल लो तो ये जो नाक है ठीक है यहाँ पे टच करो अभी इस पोर्शन में कुछ हार्ड हार्ड सा दिख रहा है थोड़ा सा ट्राइंगल शेप का देखो लग रहा होगा यहाँ पे ठीक है और इसके ऊपर एक ग्लैंड है इसके ऊपर इसके नीचे एक ग्लैंड है ठीक है तो एक ग्लैंड का नाम है मेबोमैन एक ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल लैक्रिमल से आंसू आते हैं क्या आते हैं आंसू आएंगे आपको ठीक है आंसू आते हैं अरे आंसू क्यों आते हैं क्लीन होने के लिए पहला तो चीज़ है दो टाइम में आंसू आएंगे एक जब आप इमोशंस होते हो एक जब आप म, आपके आंखों में कुछ घुस जाए तो लैक्रिमल वहाँ पे काम करेगा मेबोमैन का काम क्या है वो एंटी बैक्टेरियल लिक्विड फ्लो करता है एंटी बैक्टीरियल लिक्विड आपके आंखों में इन्फेक्शन होता है ऐसा फूल जाता है रेड रेड होकर अंदर के तरफ है तो उसको ठीक करने के लिए मेबोमैन एंटी बैक्टेरियल सॉरी बैक्टीरियल फ्लो देता है लिक्विड का फ्लो देता है इसलिए आँखों में पानी पानी आता है और बहुत ज्यादा गंदा निकलता है और दो दिन में आँख ठीक हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट 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 द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन प्लान इज बिकॉज ऑफ द डैश पिगमेंट ये पता होगा? गया एंथोसिया अच्छा मुझे बताओ अभी ग्रीन कलर प्लांट का ग्रीन क्यों है प्लांट का कलर ग्रीन क्यों हुआ क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल जैसा ना और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं प्लांट हाँ। में जैनथोफिल हाँ। एंथोसियान ऐसे बहुत, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं फिर आप लोग और एक अच्छा गाजर का कलर वैसा क्यों हुआ बताओ कुछ गाजर बहुत ज्यादा रेडिश होते हैं कुछ गाजर ऑरेंज टाइप के होते हैं कौन सा पिगमेंट होगा उसमें बोल सकते हो कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड ऑरेंज येलो ऑरेंज कलर का होता है ठीक है अभी देखो रेड ब्लू पर्पल कलर अगर बोल रहा है तो ये एंथोसियानिन अभी और एक चीज बता दू सियानिन मतलब साइनिन होता है साइनिन yeah. का कलर ब्लू होता है ठीक है इससे आप याद रखना ऑप्शन देखते ही क्लिक कर देना हुई पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द मोटर स्किल ऑफ द बॉडी ये देखो ये वाला सामने वाला सर दिख रहा है ना दिमाग ये वाला सामने वाला ये आपका होता है फ्रंटल लोब ठीक है फ्रंटल लोब आपका मोटर स्किल मतलब आपका जितना भी एक्टिविटीज़ अभी हिल डुल रहे हो मैं जो इतना बात कर रही करी हूं, जो मेरे बातों को पूरा कंट्रोल कर रहा है मेरा हैंड मूवमेंट अभी ना आप देख नहीं सकते मुझे मेरे हाथ मगर हिलते रहते हैं हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि ये हमारा हैबिट है मैं हिलते डुलते रहती हूँ तो ये फ्रंटल लोब का ही काम है जो कंट्रोल करता है एवरीथिंग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा सामने वाला कौन सा लोब है फ्रंटल लोब सामने वाला फ्रंटल लोब वॉट इज द नेम ऑफ द दमोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी अभी क्या था बोलो बोलो ग्लूकोज कंट्रोल कौन सा ऐसा हो गया आंसर आ गया आपको नेम द गैस फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी वेजिटेबल घी बनाना है हाइड्रोजन 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 वेजिटेबल घी अगर बनाना है तो वो हाइड्रोजन होगा व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी याद, लिवर, लिवर, याद लिवर। रखना पूरा। अच्छा मुझे अभी बता दो फिर से लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी लीवर 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 एंड लीवर ना अगर निकाल दिया जाए तो आपका खाना पीना सब डायरेक्ट हो जाता है ठीक है लीवर के साइड में ही एक पोर्शन है नाम सुना है गल ब्लैडर ब्लैडर हाँ गल ब्लैडर स्टोन होने से बहुत तकलीफ मिलता है अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक ना खाओ भूखा रहो एसिडिटी बढ़ता है उसके साथ गल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी किडनी में Nepron. क्या है नेफ्रॉन्स अच्छा ब्रेन में एंड बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है कौन सा से सेल है जो पूरे बॉडी में बिखरे हुए हैं नेटवर्क बनाए रखा है कौन सा है सैल जल्दी 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 न्यूरॉन 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 का और एक नाम होता है नर्व सेल न्यूरॉन का Nervs. और एक नाम क्या है नर्व सेल नर्व सेल ठीक है किडनी में है नेफ्रॉन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मैं थोड़ा बना के दिखा देती हूँ ऐसा रहेगा ये ना पूरा एक कप जैसा रहता है इसको बाउमेंस कैप्सूल हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिर ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर फिर ऐसा फिर ऐसे कलेक्टिंग डक्ट होता है ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक नहीं है बहुत सारे हैं बहुत सारे, बहुत सारे हैं ये ऐसा अगर किडनी है तो ऐसा बहुत सारा होगा एंड ये किडनी के मतलब मिड पॉइंट से बोल सकते हो या फिर बाहर से अंदर के तरफ होता है जिससे पानी पानी के साथ जितना भी नाइट्रोजन स्टेट ब्लड ग्लूकोज सब छानते हुए ये धीरे धीरे वाटर को रिलीज कर देता है टॉयलेट के हिसाब से और बाकी के चीज जो बहुत यूजफुल होते हैं हैं तो बॉडी में बैक कर लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखो जेम्स डी वाटसन एंड जेम्स डी क्रिक का नाम आ, yes, yes, okay. yes, उन्होंने yes, क्या डिस्कवर किया बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये मैंने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाया ए टी जी सी ऐसा sequence इन दोनों ने निकाला था क्रिक मॉडल कोड के ऊपर तो काम कर रहे थे जो इंडियन थे जो जेनेटिक कोड निकाले थे ठीक है ट्रिपल कोडो हाँ नोबल प्राइज विनर है इंडिया से है ठीक है वो भी जेनेटिकिस्ट है चलो पोलियो वायरस इज़ कॉज बाय ए मैं तो आंसर ही बता रही हूँ पहले ही आपको आंसर बता रही <laughs> पोलियो इज कॉज बाय ए वायरस वायरस पोलियो इज़ कॉज बाय वायरस अभी देखो एक चीज़ मतलब ऐसा है ना आपको अगर लाइफ साइंस पढ़ाया जाए आप अगर नोट्स पढ़ो तो आपको ना मतलब जो बच्चे लाइफ साइंस के नहीं है उनको बहुत डर लगता है ठीक है मुझे क्या पता मेरे पास जो पढ़ने आते हैं तो बहुत डरते हैं है। मैम नहीं पढ़ना है बायोलॉजी नहीं पढ़ना है बट जब समझ जाते हैं तो वो अच्छे से पढ़ पाते हैं तो इसलिए कर लो ज़्यादा नहीं है और सौ दो सौ बनाना है मुझको दे दूंगी मैं उतना करोगे तो एग्जैक्टली exactly, चार पाँच तो आ ही जाएंगे एग्जाम में ख़त्म और नहीं चाहिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द सॉरी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज डैश अपराइट होता है या इन अपराइट ये जानते हो कि कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा और एक बार नहीं मैम कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा ऐसा पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ठीक है ऐसे सारे पिरामिड्स का स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका एनर्जी पिरामिड्स तीन तरह के होते हैं एक होता है बायोमास के लिए एक होता है एनर्जी के लिए एक अमाउंट के हिसाब से होते जाता है अब मैं बोलूँ कि एनर्जी पिरामिड सपोज सोचो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं ठीक है ये सारे पेड़ हैं पेड़ों के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स डिपेंड करते हैं उस बर्ड्स को खाने के लिए अगेन कोई स्नेक रहेगा स्नेक को खाने के लिए फिर उससे हॉक एक रहेगा हॉक अगर मर गया तो सेप्रोफाइट्स और बैक्टीरियास खाएंगे तो ऐसे करके नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो देखना पड़ता है तो हमने अभी आंसर क्या दिया ये अपवर्ड और अपराइट होता है बोला ना अपराइट भी बोला जाता है इसको अपराइट होता है तो आप नंबर्स चेक करना अप ठीक है बिकॉज ये इन्वर्टेड नहीं बोला गया इन्वर्टेड होता तो ऑपोजिट होता आप समझ लेना समोसा सीधा है दैट इज़ द अपराइट ओके याद रखने के लिए बोल रही हूँ बस तो ये देखो तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एक पेड़ है एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे आ, एनिमल्स होंगे एनिमल्स मतलब बहुत सारे फल लगे हुए हैं तो बहुत सारे बर्ड्स होंगे बहुत सारे बर्ड्स बना दिए बहुत सारे बर्ड्स को खाने के लिए कोई स्नक होगा दो चार पाँच या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो खा सके और उसके ऊपर उनको खाने के लिए जैसे सोच लो हॉक रहेगा ठीक है चील हो गया वो सब और उसके ऊपर वो मरने से फिर बैक्टीरियाज खाएंगे बस इतना है ऐसा आपका साइकिल रहेगा इसको आप एनर्जी पिरामिड का फ्लो आप एनर्जी बोल सकते हो नॉर्मली नॉर्मली अगर बायोमास में आ गया तो अमाउंट के ऊपर आ जाएगा मतलब हमें ज्यादा कम अमाउंट देखना पड़ेगा ये बस एनर्जी है ना तो जैसे मैं और एक चीज़ में बता दूँ नॉर्मल रेंज पे बता दू ये सनलाइट है क्या सारा सनलाइट अर्थ पे आता है नहीं जितना सनलाइट है अगर अर्थ पे आ गया क्या सारा सनलाइट सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है no. नो ठीक है तो यहाँ पे टेन परसेंट रूल चलता है या टेन परसेंट लॉ चलता है टेन परसेंट ठीक है याद हो रहा होगा टेन परसेंट लॉ चलता है तो टेन परसेंट के अकॉर्डिंग अगर ये हज़ार दे रहा है तो उससे बस ये सौ लेगा सौ 10 लेगा इसको कौन रिसीव किया प्लांट ने रिसीव किया प्लीज रिसीव किया हंड्रेड रिसीव किया हंड्रेड से इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है हार्बी भोड्स हैं जैसे ये हो गए बकरी मतलब गोट ठीक है गोट हो गया या फिर आपका सीप हो गया तो वो सब या इसके बाद यहाँ पे हार्वी भोर्स को लिख दिया तो हार्वी बोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है कार्वोर्स है तो ऐसा चलता है जब एनर्जी ट्रांसफर होगा भोर्स के पास तो बस सौ का टेन परसेंट मतलब टेन हो गया फिर कार्वोर्स के पास जाएगा तो टेन का टेन परसेंट मतलब वो जीरो पॉइंट समथिंग में आ जाएगा उसके बाद और गया तो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो चलते जाएगा तो ये आपका एनर्जी फ्लो पूछा गया यहाँ पे आपको बायोमास भी नहीं पूछ रहे बायोमास होने से वजन के ऊपर देखा जाएगा और पिरामिड ऑफ नंबर बोला गया तो जहाँ पे नंबर्स ज्यादा होते हैं बस इतना देखना अगर मैं बोलूँ एक प्लांट है तो एक प्लांट हुआ तो कैसा हो जाएगा अपराइट होगा या डाउन इन्वर्टेड हो जाएगा बताओ अगर बॉटम में एक प्लांट है तो नंबर्स में बोलो अपराइट होगा या इन्वर्टेड हो जाएगा इनवर्टेड क्योंकि इन नंबर जब हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे एक है उसके ऊपर सौ बर्ड्स डिपेंड करते हैं सौ बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे सोच लो मैंने चेंज करके बोला बैक्टीरियाज तो हजार बैक्टेरियाज डिपेंड करते हैं हजार बैक्टेरियाज अगेन सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो ये हो सकता है इन्वर्टेड टाइप तो सोच समझ के आपको बोलना है समझे थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सुनो मुंह में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हो जाता है यस कार्बोहाइड्रेट के जगह पे और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं ग्लूकोस 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 ठीक है Glucose. Glucose. Glucose? Glucose. जब भी मुंह में कोई मीठा वाला चीज जाता है तो मुंह में क्या होता है मिक्स हो जाता है ना hmm. हाँ बट कभी भी ऑयली वाला चीज मुंह में रखो तो मुंह के अंदर मिक्स होता है क्या नहीं नहीं वो डायरेक्ट पेट में चला जाएगा वहां पे एसिडिक एक्टिविटीज के वजह से वो टूट जाएगा फिर ब्रेक डाउन होकर चलेगा तो इसलिए सलाइवा हेल्प बस करता है डाइजेशन करने में स्टार्च को या ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को ठीक है कार्बोहाइड्रेट को हुई पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन फादर और मदर फादर 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 एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई फादर के पास है एक्स वाई एंड मदर के पास है एक्स एक्स मतलब मदर बस फीमेल ही बर्थ दे सकती है बट फादर डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पास से अगर एक्स गया मदर के साथ फ्यूज होने में वो गर्ल हो जाएगी, जाएगी. अगर बॉय होना है तो वाइफ फ्यूज होना पड़ेगा तो इसलिए फादर सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ जो आप गैस को यूज करते हो एंड मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अरे इससे कौन सा प्लांट बना सकते हो अरे मैं प्लांट मतलब जैसे स्टील प्लांट वैसा टाइप का प्लांट बोल रही हूँ घर पे बायोगैस फॉर्मेशन कैसे करते हैं गोबर से तो दैट इज वहाँ पे काउडंक यूज होगा तो मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा रहता है नेक्स्ट द येलो कलर ऑफ ह्यूमन फीसेस अरे फीसेस मतलब जो लेटरिन करते हैं हम लोग वो येलो कलर क्यों है यू, एक पिगमेंट है जिसका नाम है यूरोबिलिन ठीक है यूरोबिलिन इसके वजह से अगर जिस दिन देखना पेट खराब रहेगा या फिर यूरोबिलिन मतलब आप ज़्यादा टाइम तक भूखे थे और उसके साथ आपने कुछ गड़बड़ खा लिया है तो रेड कलर का होता है या काला काला होता है तो ये सब यूरोबिलिन का ही परसेंटेज है कम ज़्यादा हुआ तो हो सकता है चलो एयर पोल्यूटेंट काजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ डिजीज सल्फर डाइऑक्साइड सबसे हार्मफुल है सल्फर डाइऑक्साइड ये चीज को और कहां पे पढ़े थे मुझे बता सकते हो वेरी गुड में पढ़े थे अरे एस ओ टू प्लस एस टू अगर मिक्स हो गया तो कौन सा एसिड बनेगा चलो एस टू जानते हो जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा विटामिन ho, uh, के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ़ दैट इज़ द प्रोथोम्बीन अभी मुझे बोल सकते हो ये हार्मोन किसी ने सुना है क्या हार्मोन तो नहीं है दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है अभी क्या बोलो ब्लड को क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है विटामिन के अरे रक्तों को जमाटो बांधिबो इत बढ़िया नहीं आ रहा है रक्त रॉकथको जमा टवा दी अरे आपका हाथ कट गया तो वहाँ पे देखते हो ना कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक जाता है वहाँ पे जाली जाली हो जाता है फिर वहाँ पे धीरे धीरे वो जॉइन हो जाता है वो कट मार्क्स भी नहीं रहता है तो वो किसके वजह से हो रहा है विटामिन के की वजह से तो विटामिन के ऐसा सुना होगा ना फिब्रीनोजैन प्रोथोम्बिन हाँ तो फिब्रीनोजैन का काम होता है वहाँ पे थाइबर जैसा नेटवर्क बनाना ऐसा नेटवर्क नेटवर्क बनाएगा तो उससे पहले ये प्रोथोम्बिन है जो ब्लॉकेज करेगा तो प्रोथोम्बिन को कौन बनाता है विटामिन के बनाता है ठीक है विच कंपाउंड इज यूज इन एंटी मैर सॉरी मैलेरियल ड्रग अभी बहुत टाइम से बोल रही हूँ ना इसलिए तुतला रही हूँ एंटी मैलेरियल ड्रग्स कौन सा है बताओ क्लोरो क्लोरोक्विन यहाँ पे क्लोरोक्विन मैंने लिख के छोड़ दिया कितना फास्ट लिखती हुई मैं टाइपिंग क्लोरोक्विन होगा ओ एन ई ठीक है

एब्सेंस के लिए होता है डेफिशिय जब होता है तो फ्लोरिन के एब्सेंस के लिए होता है ठीक है कमी हो गया फ्लोरिन का तो वहाँ पे गैप हो जाएगा होल हो जाएगा काला काला हो जाएगा दांतों में चलो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड ये जानते हो किडनी डायलिसिस किडनी डायलिसिस किडनी डायलिसिस करना ठीक है विच इज द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इन टू ए न्यू बॉर्न बेबी कौन सा पहला वैक्सीन मुझे दे दिया जाता है वी था बीसीजी फूड पॉइजनिंग इज कॉज ये फूड पॉइजनिंग जल्दी बोलो कहाँ से होगा पानी से हवा से हवा से नहीं होने वाला मैं बोल चुकी हूँ क्या होता है पानी से होता है ठीक है फिर उसके बाद बोलती हूँ उसमें एक बैक्टीरियास रहते हैं जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम तो उसके वजह से आपका फूड पॉइजनिंग ज़्यादा होता है ठीक है अगर वहाँ पे ऑप्शन में वाटर है इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा आपको ठीक है तो वहां पे अगर ऐसा रहेगा कि बॉर्न है या फिर एयर बॉर्न है, सा Water. Waterborne है Water. Water. Progesterine. 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 कौन सा लिखोगे है से, है ठीक वो हॉर्मोन इज यूज एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरियन ये प्रोजेस्टेरियन कौन सा हॉर्मोन कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलाना सुनो सुनो इसी के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अभी पढ़ाया है बच्चों को प्लस टू के तो बता दे रही हूँ ओरल हार्मोन फीमेल्स लेती हैं ठीक है थीके? और प्रोजेस्टेरियन का काम है अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे दू देखो देर आर टू टाइप ऑफ सेक्स एक होते हैं मेल एक होते हैं हाँ, फीमेल जल्दी जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दे रही हूँ तो एक मेल है एक फीमेल है अभी मेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कॉन्डोम्स का यूज करना है उनके कोई पिल्स नहीं होते मेडिसिन नहीं होते उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्डम्स आते हैं ठीक है अब फीमेल के लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है सुना होगा ऐसा कपटी हाँ, लिखा होगा ऐसा या फिर सहेली हाँ, पील्स, हाँ, आई, हाँ, पील्स आई पील्स ऐसा बोला जाता है आई पील्स हैं बहुत सारे हैं उसके साथ ये सबको जो मेडिसिन हैं कुछ मेडिसिन हैं इसको यूज करना पड़ता है बॉडी में और ये जो मेडिसिन का नाम बोला इसको खाना पड़ता है और इन सारे मेडिसिन में ज़्यादा कौन सा हॉर्मोन यूज होता है पता है वो है प्रोजेस्टेर क्यों यूज होता है okay. वो भी बताती हूँ प्रोजेस्टेरियन एक फीमेल हार्मोन है एंड फीमेल के सेक्स हार्मोन के ही पार्ट में आता है एंड प्रोजेस्टेरियन के वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाता है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता इसलिए प्रोजेस्टेरियन का लेवल बॉडी में बढ़ाने के लिए इन प्रोजेस्टेरियन uh, को मेडिसिन में यूज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज किया जाता है इतना तो का क्या काम है इस्ट्रोजन अगर बढ़ गया तो ओविलेशन हो जाएगा वो फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर देता है ज़्यादा दो हार्मोन दो डिफरेंट वे से काम करते हैं एक बढ़ाता है तो एक कम करता है ठीक है तो प्रोजेस्टेरन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और पिल्स बनाने के लिए मेडिसिन बनाने के लिए इतना समझ आया हाँ, समझ सालुजा समझी अंकिता सालुजा समझ रहे हो या और एक बार बोलू कहा गई समझ गई सालुजा चुप हो जाती है चलो द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी अरे आपके थाई पोर्शन में है थाई में है फ्यूमर सबसे बड़ा बोन लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी दैट इज द फ्यूमर अच्छा बोल लो सबसे छोटा छोटा बोन स्टेपस हाँ आपके कान में है आपके कान में है अच्छा उस दिन पढ़ा था ना दोनों कान में मिला के कितने बोन्स मेटल इज प्रेजेंट हीमोग्लोबिन मेटल बोला गया है iron, iron, iron. Plus, iron, ठीक है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन जीन ह्यूमन जीन नहीं होता ये ह्यूमन बॉडी होता जीन बोल दिया चलो बॉडी होगा ये देखो फिर से आ गया the pH value of human blood. प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन मतलब वाटर कमी है वहां पे अगर प्लांट ग्रो करे उस कंडीशन को क्या बोलोगे जेरो, जेरो जेरोफाई, जेरोफाई, जेरोफाई। अच्छा जो प्लांट्स पानी में ज्यादा बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स मतलब 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 yes. मतलब पे का है वाटर, सैंड और डेजर्ट डेजर्ट एरिया एरिया एंड जो में होते हैं या पानी कम एरिया में होते हैं तो उनको yes. बोलते हैं। एनर्जी कन्वर्टेड इन टू विच केमिकलिकलिकल केमिकल एनर्जी और उसको इन टोटल बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी ओके विच इज अमोलेट वोन इन ह्यूमन बॉडी अभी बोल दिया था Stip. 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 कि आज के लिए इतना काफी है ठीक यहाँ पे हम आ गए ये एग्जॉन नॉर्मली हम न्यूरॉन्स का थ्री पार्ट्स बोले थे एग्जॉन डेंड्राइट सेल बॉडी तो हम सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं एंड साइटोन होता है part, अपर पार्ट आपका अपर पार्ट ऐसे जैसे सेल है तो ये एक्जॉन पार्ट है एक्जॉन का टर्मिनल पोर्शन इसको बोलते हैं ये एग्जॉन टर्मिनल ये आपका ऊपर गया एंड यहाँ पे आपका सेल बॉडी होता है या फिर साइटोन इससे आपके डेंड्रॉन ऐसे निकले हुए ब्रांचेस जैसे होते हैं दैट इज़ द डेंड्राइट सो so, अभी इन्फॉर्मेशन जो लेके आता है दैट इज द डेंड्राइड देन वो पास होता है साइटॉन में देन ऐसे करते हुए आपके एग्जॉन टर्मिनल में आता है एंड रिल देन नेक्स्ट न्यूरॉन्स के साथ ये अटैच होता है नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्सन यहाँ से अटैच रहेगा तो डेंड्राइट साइटॉन एक्जॉन देन नेक्स्ट का डेंड्राइट साइटॉन एक्जॉन ऐसा रहता है एक्जॉन क्या कहता है मैसेज को बस कन्वे करता है दैट मीन्स कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम दी बॉडी तो अवे कर लिया ना वहाँ से लेके डेंड्रॉट के, के थ्रू लेके नेक्स्ट डेंड्राइट को पहुँचा रहा है डेंड्राइट रिसीव करा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी एवहफ एग्जोन टर्मिनल सेल बॉडी कंटेन क्या क्या करता है न्यूक्लियस है माइट्रोकॉन्ड्री है अदर ऑर्गेनल्स तो अदर ऑर्गेनल्स में बोल दूँ जैसे कि हो गया आपको बोल सकते हैं निज़ल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है गोल्गी पोर्शनस भी प्रेजेंट है यहाँ पे और ये आपका साइटोन है तो उसका कवरिंग को हम बोलते हैं जैसे न्यूरी लेमा एंड एग्जॉन का कवरिंग को हम बोलेंगे एग्जो ठीक है सिनाप्सिस क्या होता है जब हम लोग ज्वाइन करते हैं एक नर्व से सोचो ये नर्व वन है नर्व टू को ज्वाइन करते हैं तो ये जो पोर्शन है नर्व वन से नर्व टू को इस पोर्शन को मतलब ज्वाइनिंग पार्ट को हम सिनाप्सिस बोलते हैं और सिनाप्स बोला जाता है एंड जो गैप रहता है दो न्यूरोन्स के अंदर दैट इज कॉल्ड सिनाप्टिक क्लैप्ट फंक्शन बिटवीन द टू न्यूरोन्स इज़ कॉल्ड एज मतलब फंक्शन बिटवीन बिटवीन बोला गया तो वो सिनाप्सिस प्रोसेस है एंड uh, जैसे कि प्री सिनाप्टिक क्लेप्ट होता है जैसे ये एग्जॉन है तो दूसरा ये डेंड्रॉन है तो दोनों के अंदर जो कनेक्शन है ये जो कनेक्शन चल रहा है तो वो सिनाप्सिस प्रोसेस होता है अभी ह्यूमन आई क्या है तो द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा ह्यूमन आई कैमरा होता है बिकॉज लेंस उसमें प्रेजेंट है एंड वो लाइट सेंसिटिव होता है जिसके थ्रू इमेज क्रिएट कर सकता है इमेज क्रिएट कहाँ पे होता है रेटिना में होता है द आई बॉल इज अप्रॉक्सिमेटली स्पेरिकल इन सेफ ये स्पेरिकल होता है विथ ए डायमीटर अबाउट टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर द आई लेंस फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो रेटिना में ऑलवेज इन्वर्टेड रियल इमेज क्रिएट होता है जिसके वजह से हम सामने वाले पर्सन को सीधे देख पाते हैं रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइक है और उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जैसे कि रॉड्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्निया क्या है नॉर्मली कॉर्निया लाइट एंटर्स द आई थ्रू एन थीन मेमरिन कॉर्निया पोर्शन ऐसा आपका सोच लो ये आई है तो ये जो आपका कवरिंग हो गया थीन मेम्ब्रेन जैसा तो वो कॉर्निया है द आईज आउटर मोस्ट क्लियर एंड इट इज क्लियर डोम डोमसेप्ट होता है दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोकसिंग योर विजन विजन को फोकस करने के लिए चाहिए पीपिल क्या है द पीपिल इज अ होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आई दिस पीपल एक होल जैसा होता है ऐसा एंड जिसके थ्रू ये लाइट पास होगा रेटिना में यहाँ पे यहाँ पे आपका इमेज क्रिएट होगा सो so ऐसा है ठीक है जिसके थ्रू रेटिना को जाएगा रेटिना में आप एब्जॉर्व करेंगे जो टिश्यूज प्रेजेंट है जो डायरेक्टली एब्जॉर्व करेंगे इन्फॉर्मेशन को एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस के थ्रू एंड रेगुलेट करेंगे लाइट जो एंटर किया इमेज के थ्रू तो वो इमेज का इन्वर्टेड एंड रियल वाला इमेज क्रिएट होगा एंड उसके थ्रू आप देख पाएंगे आइरिस क्या है इट इज़ ए डार्क मॉस्कुलर डाय दैट कंट्रोल्स द साइज आईरीस आप छोटा बड़ा कर सकते हो नेक्स्ट क्या है सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल्स मतलब जब मसल्स आपके ये रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं जो आई के मिडिल लेयर को ये कंट्रोल करता है ऐसा जॉइंट करता है ठीक है दैट कंट्रोल्स एकोमोडेशन फॉर भीविंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस में भी आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपके पास ना दो ऐसे कवरिंग हो गए या दो चैम्बर हो जाते हैं ये जो पहला चैम्बर है ये एक्विस्ट ह्यूमर का चैम्बर होता है जो अंदर में रहता है ये भाइट्रस ह्यूमर का चैम्बर होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स वाइटस चैम्बर्स में ही प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये बाइपोलर सेल्स हैं और इल्यूमिनेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस की इन्फॉर्मेशंस को ठीक है याद रखना जब लाइट बहुत ब्राइट होता है तो हम आंखें छोटे कर देते हैं एक्चुअली आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे कि आंखों में ज़्यादा लाइट पास ना करे और आइरिस अगर एक्सपांड करता है तो मोर लाइट एंटर करता है मतलब एक्सपांड करेगा तो मोर लाइट एंटर करेगा तो हम ज़्यादा लाइट में आँखों को खोला नहीं मतलब ओपन नहीं रख सकते खोल नहीं सकते खुला नहीं रख सकते सो दैट राइडीज जो भी वर्क कर रहा है वो लाइट के अकॉर्डिंग होता है ये ह्यूमन बींग हैज ए हॉराइजेंटल फील्ड ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू अबाउट वन फिफ्टी डिग्री विथ वन आई एंड ऑफ अबाउट वन एटी डिग्री विथ टू आई देन ह्यूमन ब्रेन से हम कंटिन्यू करेंगे और भी पोर्शंस हैं एंडोक्राइन सिस्टम लिम्फाटिक सिस्टम ऐसे करके आपके पास बहुत सारे पोर्शंस अभी तक हैं सो so, ये और एक क्लास में आपको हो जाएगा ये पार्ट वन मैंने करवा दिया पार्ट टू में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे सो थैंक यू सो मच अगर अच्छा लगा ऐसा क्लास चाहिए तो हम कंटिन्यू रखेंगे और एक दो क्लासेस में एंड uh, इसको ओवर करेंगे थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ क्या करना है लाइक कमेंट सब्सक्राइब ऑल द बेस्ट Please like, comment, subscribe and all the best.